हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। अगर आप भी 2023 में बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा 2023 में भूलकर भी न करें ये पांच गलतियाँ, वरना आप फेल भी हो सकते हो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पांच गलतियां जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप इन पांच गलतियों को करते हो तो आपको बोर्ड एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है, इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। यदि आपको 90 मार्क्स पक्के चाहिए तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को आपको पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर एक, मैं आपको गलती बताने जा रहा हूँ। नंबर एक गलती आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नंबर एक गलती क्या है आपकी, केवल काले और नीले पेन का उपयोग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देते हो तो पेपर की कॉपी में आपको केवल काले और नीले पेन का उपयोग करना है। लाल पेन का और हरे पेन का आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, वरना आपके नंबर काटे जा सकते हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। तो ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको पेपर देते समय काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। तो पहली गलती आपकी ये भूलकर भी आपको नहीं करनी है। सेकंड गलती क्या है आपकी, सेकंड गलती मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड गलती आपकी, बोर्ड की कॉपी में फर्स्ट पेज में काट पीट कर गलत उत्तर कभी ना करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देते हो तो आपको फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी काट पीट कर उनके उत्तर नहीं देने हैं, वरना आपके बोर्ड एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो सेकंड गलती को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको दो गलतियां बता दी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये दो गलतियां बिल्कुल भी भूलकर नहीं करनी है। तो मैं आपको तीसरी गलती बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तीसरी गलती आपको बिल्कुल भूल कर भी आपको नहीं करनी है, क्लासरूम में परीक्षा देते समय अपना रोल नंबर और विषय और हस्ताक्षर करना न भूले। जब भी आप क्लासरूम में आप अपना पेपर देते हो तो आपको अपनी नोटबुक के ऊपर आपको रोल नंबर और विषय और हस्ताक्षर करना बिल्कुल ही अनिवार्य है। इनको आपको भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी तीसरी गलती है, ये तीसरी गलती आपको बिल्कुल ही भूल कर आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको चौथी गलती बताता हूँ। चौथी गलती आपकी क्या है, प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसका ही उत्तर लिखे, उत्तर में ये बिल्कुल भी नहीं लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न आपका होता है आपको वही प्रश्न के उत्तर देने हैं, बिल्कुल भी आपको फालतू की बकवास आपको उस क्वेश्चन में नहीं लिखनी है। जैसे मैं आपको बता दूँ गाना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न के उत्तर में आपको गाना बिल्कुल भी नहीं लिखना है, वरना आपके बोर्ड एग्जामिनर नंबर काट लेगा। नेक्स्ट आपको गालियाँ, गालियाँ भी आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, और कसम, कसम भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, कोई कौन से आंसर में गाने भी लिख आते हैं और गालियाँ भी लिख देते हैं और कसम भी दे देते हैं। और नेक्स्ट आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको गलत शब्द, प्रश्न के उत्तर में आपको गलत शब्द बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं, वरना आपके बोर्ड एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, आपको उस प्रश्न के आपको एक भी नंबर नहीं देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी चौथी गलती वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चौथी गलती को आपको बिल्कुल भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देते समय आपको नहीं करनी है। जब भी आप क्वेश्चन को लिखते हो तो उसी का ही आपको आंसर लिखना है, फालतू की
चीज़ आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखनी है, और गाना गा लिया ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सके। यदि आप इन गलत शब्दों का उपयोग अपने आंसर में करोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर आपको नहीं देगा, इसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। तो मैं आपको लास्ट एंड फाइनल गलती बता रहा हूँ, ये आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपकी पांचवी गलती क्या है? पांचवी गलती आपकी है, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल न रखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे क्या होते हैं, पास होने के लिए बोर्ड कॉपी में कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 2000 का नोट रख देते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि सर हमें रुपए का लालच देकर हमें पास करते हैं। तो ये आपकी पांचवी गलती बहुत बड़ी है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रुपए तो आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप लोग सोचते हो कि टीचर हमें पैसे दे के हमें पास कर देगा, तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, वरना आप फेल हो जाओगे। यदि आप इस तरह की हरकत करोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा, आपको फेल भी कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पांच गलतियों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हो तो आपको बिल्कुल साफ सुथरा अच्छी तरीके से आपको कार्य करना है, और प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही आपको लिखने हैं। उन गलत शब्दों का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको साफ साफ राइटिंग में कॉपी लिखनी है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिख के लानी है, जो आपके क्लास 12th के और क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, उस वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में साफ साफ तरीके से आपको कॉपी कैसे लिखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने बताया है आपको पांच गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।